आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आप इस एप्लीकेशन से 750 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है, तो यहाँ पे पूरे 1500 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है। और आज मैं आपके सामने इस एप्लीकेशन में जो लोन है लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा और अपने बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे लेकर दिखाऊंगा। और ये एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन से आप 1500 रुपए का लोन ले सकते हैं और यहाँ पे 1000 रुपए का भी यहाँ पे लोन ले सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम लोन आप यहाँ पे 500 रुपए का भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि मुझे यहाँ जो लोन चाहिए तो कितने रुपए का चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से बैक करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे 1500 रुपए का लोन अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे लेकर दिखाऊंगा। तो उसके लिए कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चूज करना है कि जो हमें लोन चाहिए कितने दिन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे को लोन मिल रहा है यहाँ पे पूरे 31 दिन का यहाँ पे लोन मिल रहा है। उसके बाद जो हमारे को लोन मिल रहा है पूरे 62 दिन का यहाँ पे लोन मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे जो लोन है 62 दिन का लेना चाह रहे हो या आप यहाँ पे एक मंथ का यहाँ पे लोन लेना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे 62 दिन के लोन पे क्लिक करके उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस कटेगी हमारी तो 176 रुपए की हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस हमारी यहाँ पे लगेगी। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे अकाउंट में आएंगे वो 1324 रुपए मेरे यहाँ पे अकाउंट में आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है, कितना आपके ऊपर यहाँ पे बैंक खाते में आपके पैसे आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे 90 रुपए लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल रिपेमेंट करनी है वो 1590 रुपए यहाँ पे करनी है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसकी यहाँ पे रिपेमेंट कर सकते हैं तो आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इंडिया में भी वर्क करती है और साथ में एप्लीकेशन यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी है, आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। और एप्लीकेशन एक पूरे तरीके से RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से बैक करके इसको यहाँ पे बैक कर दे रहा हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप किया तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो आप जिस बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे पैसा लेना चाह रहे हो तो वो बैंक अकाउंट आपके ही नाम पे होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड पे भी आपका ही नाम होना चाहिए तो ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो बैलेंस आपको रिसीव होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं पे बैंक अकाउंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करा तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसको अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा लोन है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे को यहाँ पे काफी सारे टर्मिकल कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि एप्लीकेशन एक जर्मन कंपनी है। तो आप यहाँ से अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आप इस एप्लीकेशन से 1000 से लेके 50,000 रुपए तक की लिमिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके बाद आपको सारी टर्मिकल कंडीशन को यहाँ पे पढ़ लेना है। जैसे आप सारी कंडीशन को यहाँ पे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक एरो का निशान दिख रहा है तो उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपको एक्सेप्ट टू कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप इसमें यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है थैंक यू फॉर द अप्लाई फॉर द लोन। यहाँ पे जो लोन था 1500 रुपए का मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया जिसका इंटरेस्ट यहाँ पे 90 रुपए दिखा रहा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट भी हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद टोटल अमाउंट भी हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे साफ साफ दिखी है एनुअल द ऑटो डेबिट। तो आप अपनी किस्त को यहाँ पे ऑटो डेबिट भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी किस्त को ऑटो डेबिट नहीं करना चाहते तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे ऑटो डेबिट करेंगे तो आपके यहाँ थोड़ी सी फैसिलिटी ये मिलेगी जो आपकी लिमिट है बहुत ही जल्दी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी क्योंकि जैसे आप उसको ऑटो डेबिट पे करेंगे तो कंपनी का थोड़ा सा आपके ऊपर यहाँ पे ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट होने के बाद ही आपकी लिमिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है वी जेंसफुल प्रोसेस एप्लीकेशन इज 12 आवर। तो 12 घंटे का मुझे यहाँ पे टाइम मिलेगा और 1 से 2 घंटे के अंदर ही मेरे बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद मैं पैक करके आपको बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 750 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का लोन आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद इसका टेन्योर आपको मिलेगा 6 मंथ से लेके पूरे आपको 62 दिन तक का आपको टेन्योर मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे और जो आपका यहाँ पे लोन इंटरेस्ट लगेगा वो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपने किसी की भी किस्त यहाँ पे EMI ड्यू नहीं करी होगी या आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको यहाँ से कम रेट पे भी इंटरेस्ट पे लोन यहाँ से मिल सकता है। तो उसके बाद मैं और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, इसको जो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे N2 मतलब P2P इसका एक लेंडर पार्टनर है जो हमारे को यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं अभी इसका एनुअल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है
24% से लेकर 36% मंथली इंटरेस्ट, 2% टू 3%। तो सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी 2% की, आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे लगने वाली है। और इस एप्लीकेशन में कौन लोन यहाँ से ले सकता है और कौन लोन यहाँ से नहीं ले सकता, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और जो आपकी एज है 21+ होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21+ है तो आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे शॉपिंग लोन भी ले सकते हो, वेडिंग लोन भी ले सकते हो, ट्रेवल लोन भी ले सकते हो और मैरिज लोन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन NBFC कंपनी है, आपको किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद मैं और थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इनका ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपका किसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा या आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है और आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे अच्छा है, तो आप इनसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसका आपको रिवॉर्ड भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ से फिर से बैक करता हूँ, तो यहाँ पे सीओल पे क्लिक करता हूँ। तो एप्लीकेशन हमारी कौन कौन सी परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर रही है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कैमरा है उसको एप्लीकेशन अलाउ कर रही है, कॉन्टैक्ट इसको भी यहाँ पे अलाउ करा जा रहा है। उसके बाद लोकेशन, टेलीफोन, SMS और ऑथर, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन कौन कौन सी परमिशन को भी अलाउ कर रही है। तो एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जैसे मैं इसके यहाँ पे बैक करके ऊपर लेके चलता हूँ तो और ऊपर यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो है ब्रांच, जो ब्रांच पर्सनल कैश लोन एप्लीकेशन। तो उसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.4 की इसकी रेटिंग है, जिसके डाउनलोड यहाँ पे 1+ करोड़ इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे पूरे 50,000 रुपए का लोन मिलता है। उसके बाद लोन इन्वेस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अलोन लोन, मतलब अगर इसकी रिपेमेंट टाइमली करेंगे तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अनलॉक लॉन्गर लोन अप टू 2 लाख विद सैलरी स्लिप, अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ से 2 लाख रुपए का भी यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।